बिग बॉस 13 फेम शहनाज गिल इन दिनों सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग में बिजी हैं। हाल ही में उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म के सेट से उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। सलमान जैसे सुपरस्टार के साथ काम करने को लेकर शहनाज एक्साइटेड तो काफ़ी है, लेकिन वह अपने दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला को भी बहुत मिस कर रही हैं। अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के पहले दिन सिद्धार्थ को याद करते हुए एक्ट्रेस भावुक भी हो गई। एक सूत्र के मुताबिक शहनाज इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उन्होंने यह सपना बहुत पहले देखा था। हालांकि इस दौरान एक्ट्रेस ने सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत याद किया, क्योंकि वह खुद इस पल का इंतज़ार कर रहे थे। बता दें कि हाल ही में शहनाज गिल शिल्पा शेट्टी के चैट शो शेप ऑफ यू में दिखाई दी थी। इस दौरान उन्होंने कई चौंका देने वाली बातें बताई थी। उन्होंने बताया था कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद उन्हें खुश रहने के लिए ट्रोल किया गया। एक्ट्रेस ने बताया कि सिद्धार्थ हमेशा चाहते थे कि वह खुश रहे। शहनाज ने कहा, अगर मुझे हंसने का मौका मिला तो मैं हंसूंगी, मैं खुश रहूंगी। अगर मेरा दिवाली मनाने का मन होगा तो मैं दिवाली मनाऊंगी, क्योंकि ज़िंदगी में खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मुझसे यह पूछा इसलिए आज मैं पहली बार इस बारे में बात कर रही हूँ, वरना चाहे कोई भी कुछ भी कहे मैं कभी इस बारे में बात नहीं करती। गौरतलब है कि सिद्धार्थ और शहनाज की मुलाकात बिग बॉस 13 में हुई थी। घर में साथ रहने के दौरान दोनों में दोस्ती हुई और फिर नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। शहनाज कई मौके पर सिद्धार्थ से अपना प्यार जता चुके हैं। हालांकि एक्टर की तरफ से कभी भी इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। हर बार उन्होंने शहनाज को अपना अच्छा दोस्त ही बताया था। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।